जस्ट तभी हम गाँव चले, हमारे बाबा के साथ में, हमारे चाचा जी हैं हमारे साथ में, हम लोग पीछे लटक के जो है चल रहे हैं, लटक के चल रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए आगे मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और हम लोग की ऑटो पहुंच गई है यहाँ पर अगले स्टॉप पर हमारे, और पूरी फैमिली के लोग उतर चुके हैं, सब चलना चालू कर दिए हैं। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको बाकी बिहारी जी के दृश्य। दोस्तों हम लोग अभी हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, लाइन में लगे हुए हैं, अभी गेट नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हुए, भीड़ देख सकते हैं बहुत भीड़ है, यहाँ थोड़ी कम है। चलिए आगे मिलते हैं। लोग पहुंच चुके हैं, ये है बांके बिहारी जी का मंदिर, आप देख सकते हैं। राधा स्नेह बिहारी जी मंदिर के अंदर में दर्शन कर सकते हैं आप। चलिए आगे मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है पहुंच चुके हैं रंगनाथ मंदिर, आप पीछे देख सकते हैं, पीछे बना हुआ है मंदिर रंगनाथ का, और हम लोग धीमे 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 आगे बढ़ रहे हैं, और उधर से हम लोग आए हैं काफ़ी दूर से वॉक करते हुए, बहुत धूप है, धूप पे बहुत मुश्किल हो रहा है चलने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। चलिए आगे मिलते हैं। दोस्तों ये है रंगनाथ मंदिर, यहाँ दुकानें अच्छी अच्छी हैं। दोस्तों ये है रंगनाथ मंदिर, हमने यहाँ के भी दर्शन किए हैं, और अब हम लोग घूम के वापस जा रहे हैं। चलिए आगे मिलते हैं। अरे तो पीयूष भाई है, पीयूष भाई कहाँ हो, फोटो खिंचा रहे हो? आपका स्वागत है वृंदावन में है। रास्ते में है जा रहे हैं प्यास लग रही, तो हम पूरी फैमिली सब लोग जो है गन्ने का जूस पी रहे हैं यहाँ पे। इधर बाबा जी हमारे हैं, बाबा जी भी हमारे गन्ने का जूस पी रहे हैं। चलिए आगे मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग निधिवन के अंदर में हैं, और हम लोग अंदर वॉक कर रहे हैं, काफ़ी लंबा मार्ग है, इधर से घूम के वापस उधर निकलना है हम लोग को। चलिए आगे मिलते हैं। हरदास जी ने रात्रि को 12 साल बैठ के भजन संगीत किया, अभी आपको दिखाऊंगा। बना दो भैया। दोस्तों आज हम लोग जो है रबड़ी चुस्की खाने आए हैं, ये बहुत ही फेमस चीज़ है वृंदावन की, ये पहली बार हम टेस्ट करने वाले हैं। भैया ने बर्फ़ डाली है मटके के अंदर, और अभी वो उसमें रबड़ी डाल रहे हैं। हम कौन कौन है? और हमारे साथ में हमारे पीयूष भाई हैं, कुशाग्र भाई हैं, और शुभम भाई हैं। हम लोग खाने वाले हैं रबड़ी चुस्की, आप देख सकते हैं बहुत ही चलतू रोड है, और हमारे साथ बहुत ही खुश मिजाज हमारे साथी हैं, और दादा को भी देख लीजिए। चलिए दोस्तों आपको टेस्ट जरूर बताएंगे कैसा लगा है हमें, मिलते हैं आगे। तो हमारी रबड़ी चुस्की तैयार है, और हम लोग अभी खाने वाले हैं, तो एक एक करके हम लोग खाएंगे इसको, बताएंगे कैसा लगा। हमने टेस्ट किया है, हमें तो अच्छी लगी है, कैसी लग रही है पीयूष भाई? एकदम चौकस। आपको किस लग रही है शुभम भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रही है शुभम भाई को। और आपको किस लग रही है कुछ भाई? मस्त लग रही है, मजा आ रही है, एकदम चौकस चौकस है। चलो तब ठीक है। दोस्तों आज हम पीने वाले हैं शिकंजी, और हमारे भैया हमारे लिए शिकंजी बना रहे हैं, भैया बना रहे हैं शिकंजी हमारे लिए, और ये आ गया काला नमक। हम लोग ये कुछ सीक्रेट जूस था शायद, ये भी कुछ सीक्रेट चीज़ है, पता नहीं क्या है, कुछ है बस। भैया जो है बना रहे हैं शिकंजी हमारे लिए, और बनके लगभग तैयार होने वाली है। हमने सिकंजी भी पी ली है, अच्छा लगा है टेस्ट सिकंजी का, और
अभी जा रहे हैं हम लोग वापस अपने बस स्टैंड के पास, उधर है हम लोग का बस स्टैंड वहाँ पे। सो वहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे और बस पकड़ के सीधे जाएंगे वापस अपने अड्डे पर परसाना के अंदर में, और वहाँ पर हमारा फिर लंच होगा आएगा। सभी बज रहे लगभग एक, लंच करेंगे वहाँ पर। लंच करने के बाद में जो है फिर हमारा रात में एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी, हमारे यहाँ चाची की एनिवर्सरी है, और उसके बाद में फिर हमारा लखनऊ की तरफ निकलना होगा, और वो शायद आज रात में ही हम लोग निकल जाएंगे। तो आज रात में तकरीबन 11-12 बजे हमारी वापसी होगी, और उसके पहले एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा, डिनर होगा, लंच होगा, भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो बने रहिए, आगे ले लिया है आप सबके लिए, तो मिलते हैं आगे, चलिए।